शाहरुख खान की मूवी पठान रिलीज हुई ही है, पर उसका धमाकेदार कलेक्शन ने ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लिया। क्या कंट्रोवर्सी, अभी बताती हूँ। उससे पहले मूवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए। मूवी में जॉन अब्राहम को एक राक्षस की तरह दिखाया गया है। वो हिंदुस्तान का विनाश करने के मिशन में है, और जॉन को रोकने के लिए हमारा हीरो शाहरुख खान और शाहरुख खान के साथ पाकिस्तानी एजेंट दीपिका पादुकोण क्यों दे रही है वो तो आपको मूवी देख के पता पड़ेगा। मूवी का स्टार्ट थोड़ा सा स्लो है, पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती रहती है आपको एक से एक धमाकेदार एक्शन सीन्स देखने को मिल जाएगी। मूवी के स्टोरी के ऊपर ना जाइए, 4 साल बाद बॉलीवुड का सुपरस्टार शाहरुख खान का कमबैक हुआ है इस मूवी में, तो उसका एक्टिंग और उसका एक्शन ही आपको देखना चाहिए। एक 57 साल के हीरो को धमाकेदार एक के बाद एक्शन करते आप देख रहे हो, और क्या चाहिए यार। अब कंट्रोवर्सी ये चल रही है, कोई कह रहा है मूवी ने 52 करोड़ से ज्यादा कमा के नंबर सेकंड पोजीशन पर है, जबकि KGF 2 इंडिया में फर्स्ट डे 54 करोड़ कमा के नंबर टॉप पर है। लेकिन कहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि 54 करोड़ से ज्यादा कमा के पठान मूवी KGF 2 को भी पीछे छोड़ा है। कमाई जो भी हो, मूवी बहुत अच्छी है। बॉलीवुड के बॉयकॉट तूफान के चलते मूवी ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, तो एक बार इस मूवी को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। सलमान खान का कैमियो है जो पब्लिक के लिए गुस्बम्प्स तो लाएगा ही। कुल मिलाकर एक अच्छी एक्शन मूवी इसे कह सकते हो। सलमान खान ने भी अपने कैमियो का फायदा उठाते हुए इस बीच अपनी नेक्स्ट मूवी किसी की भाई किसी की जान का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। पठान के सुपर हिट होने की वजह से सलमान का नया मूवी भी काफी ज्यादा चर्चे में है। वरना कुछ सालों से बॉलीवुड में सलमान खान के मूवीज का हालत तो क्या है वो आप जानते ही हो। बॉयकॉट का तूफान चाहे कितना ही तेज क्यों ना हो, मूवीज के क्वालिटी के आगे सब शांत पड़ जाएगा। आप पठान मूवी देख चुके हो, अगर देखे नहीं तो कब देखने जाओगे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज और चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।